प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय करतारपुर की तरफ से श्रीमद् भागवत गीता ज्ञान यज्ञ का आयोजन बड़ी ही श्रद्धा पूर्वक गोशाला मंदिर में स्थित भगत सावन मल हाल में किया जा रहा है। इस दौरान दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक एवं श्री देवी तालाब मंदिर प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष शीतल विज ने विशेष तौर पर पहुंचकर कथा में अपनी हाजिरी लगवाई। श्री विज का पहुंचने पर सेवा केंद्र प्रभारी राज योगिनी बीके सीमा दीदी एवं पदाधिकारियों ने स्वागत किया व उनको सम्मानित भी किया। अपने प्रवचनों में राजयोगिनी ब्रह्म कुमारी भारती दीदी ने श्रीमद् भागवत गीता की महिमा का गुणगान करते हुए कहा कि श्रीमद् भागवत गीता जीवन जीने का संदेश देती है। श्रीमद् भागवत गीता एक महान ग्रंथ है जिसका अनुसरण करते हुए भगवान को अपना साथी बनाना चाहिए। इस अवसर पर बीके सीमा दीदी, बीके निशा दीदी, बीके रजनी दीदी, बीके भारती दीदी, बीके अनीता दीदी, बीके ज्योति दीदी, बीके मंजू दीदी, बीके नीता दीदी, बीके संदीप, बीके संजीव, आजाद वीर, पार्षद ज्योति अरोड़ा, कांता रानी वर्मा, पूनम गुप्ता, नीलम रानी, रमेश रानी, मीना सक्सेना, उर्मिला छाबड़ा, किरण गौतम, अयोध्या नाथ रिखी, पवन गुप्ता, संजीव कुमार, जगदीप कुमार, मंजीत सिंह, ओम प्रकाश, एडवोकेट हरशरणजीत सिंह, मनीष शर्मा, राकेश कुमार सहित असंख्य भक्तजन मौजूद रहे। करतारपुर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। मतलब भगवान अलग है, प्रेत अलग है, पिता अलग है और दुर्प्रेत अलग है। तो अर्जुन ने भगवान को कहा कि आपके वास्तविक स्वरूप का दर्शन कौन कर पाए। भगवान ने कहा जिसकी बुद्धि जितनी ज्यादा शुभ और पवित्र होगी वही भगवान के वास्तविक स्वरूप का दर्शन कर पाए। हर कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि यदि हम शरीर के भान में अपने आप को शरीर समझ रहे हैं, आत्मबोध नहीं है, आत्मज्ञान नहीं है, तो यदि हम मंदिर में भी जाएंगे ना तो हम भगवान की मूर्ति को ही देखना चाहेंगे। परंतु जब हम अंदर जगत की ओर चले जाते हैं तो हमें उस निराकार परमात्मा का दर्शन होना शुरू हो जाता है। तो अभी हम थोड़ा सा अपना आत्मनिरीक्षण करेंगे कि वास्तविकता में हमारी कौन सी गति होगी, हम कहाँ हैं। तो बताया कि देवताओं को याद करने वाले देवताओं को प्राप्त करेंगे, पितरों को याद करने वाले पितरों की प्राप्ति करेंगे। तो देवताओं को याद कौन करेगा, जो सात्विक प्रवृत्ति के लोग होंगे ये देवताओं की पूजा करेंगे। तो हम लोग सात्विक तो हैं, देवताओं की पूजा करते हैं ना, तो सात्विक है। राजसी भी है क्योंकि पितर पक्ष में पितरों की भी पूजा करते, तो पानी पिलाना, ब्राह्मणों को खिलाना ये भी करते। परंतु क्या तामसिक भी है भैया, क्योंकि जो तामसिक प्रवृत्ति के होते ये क्या करते हैं, भूत प्रेतों की पूजा करते हैं। और इनकी पूजा करने का समय भी बहुत अलग होता है, ये रात को 12 बजे के बाद और तामसिक पदार्थ की इनकी पूजा की सामग्री।